नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से इंदौर के छपरी गैंगस्टर कहे जाने वाले सलमान लाला के बारे में, क्योंकि सलमान लाला को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया में खबरें घूम रही हैं और कहा जा रहा है कि सलमान लाला को अब इंदौर की जेल से किसी दूसरे जेल में भेजा जा सकता है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी अपराध को समर्थन करना नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सलमान लाला जो अभी इंदौर जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, वो सलमान लाला गिरफ्तारी के बाद कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि गुंडागर्दी पाप है और पुलिस हमारी बाप है। इसे देखकर तो लग रहा था कि सलमान लाला अब सुधर चुका है, लेकिन क्या सलमान लाला सच में सुधर चुका है या फिर वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था, यानी कि पुलिस के डंडे के डर से सब कुछ बक रहा था। क्योंकि सलमान लाला की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब मीडिया सलमान लाला की फोटो ले रही थी तो सलमान लाला मूंछों पर ताव दे रहा था। खैर, ये गुंडे तो कभी नहीं सुधरते, इसका तो प्रमाण है, लेकिन सलमान लाला को लेकर आज की जो खबर है उस पर चर्चा जरूर कर लेते हैं। सलमान लाला को लेकर कहा जा रहा है कि उसे इंदौर जेल से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से बयान तो नहीं है, लेकिन ऐसी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। तो क्या सलमान लाला इतना बड़ा गैंगस्टर है कि इंदौर जैसे जेल भी उसके सामने कुछ नहीं है? दरअसल इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है कि सलमान लाला इससे पहले भी इंदौर की जेल में सजा काट चुका है, और इंदौर की जेल में देखा जाए तो पहले भी वो कई वारदातें भी कर चुका है। एक बार तो सलमान लाला ने जेल के अंदर से ही अपने विरोधी गैंग के एक बदमाश को ब्लेड तक मार दिया था और फिर उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि सलमान लाला के पास जेल में ब्लेड कहां से आया? जब आप सोचेंगे तो सलमान लाला जेल के अंदर जब ब्लेड मंगवा सकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि इंदौर की जेल उसके लिए किस तरह से कड़ी जेल होगी। देश के अलग अलग जेलों में सलमान लाला की तरह कई ऐसे गुंडे हैं जो जेल में रहकर ही अपने वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, और खबरों की माने तो अब लाला को देश की किसी और जेल में भेजा जा सकता है, जहां पर अपराध करना तो बहुत दूर की बात है, सलमान लाला अपराध के नाम तक से खौफ खाए। वैसे हम भी ये कहेंगे कि सलमान लाला को या तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर पुणे की अरबड़ा जेल में, क्योंकि उसके अपराधों का लेखा जोखा इतना खतरनाक है कि इससे नीचे की जेल में अगर वो रहा तो फिर अपना आतंक का साम्राज्य फैला सकता है। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? सलमान लाला को देश की किस जेल में रखना चाहिए जहां पर वो अपराध करने के नाम तक से खौफ खाए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।